मुझे 1.5 करोड़ का कर्जा था, 14 बैंकों ने केसेस किए थे, समन्स, वारंट, नॉन पेलेबल वारंट, ये सारी चीज मैं फेस कर रहा था। सोर्स ऑफ इनकम जीरो थी, जीरो, यानी घर कैसे चलाना है तो सोने का गहना बेच के घर चलाना है, बच्चे की फीस कैसे भरनी है गोल्ड बेच के फीस भरनी है। और गोल्ड ऐसा नहीं था कि मैं कोई गोल्डमैन का बेटा हूँ, कुछ था 10-15 लाख का, उसी में उसको निपटते निपटते मुझे सारी चीजें बैंकों को भी हैंडल करना था। और मुझे नहीं पता कि आप डायरेक्ट सेलिंग को क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप मोदी को क्या समझ रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि सेशन के बाद शायद आपका नजरिया जरूर बदल जाएगा। आपने कंपनियां बंद होते हुए देखी, लोगों को बर्बाद होते हुए देखा होगा, और ऑब्वियस आप सच हो, ऐसा होता है, लेकिन वो बंद होती है और नुकसान जाता है, मतलब हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और मोदी केयर आपसे पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा, आपका एक रुपया भी नीचे मोदी केयर का।